अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो के अंदर आपके साथ मैं वो पेपर के हवाले से स्कीम शेयर करूंगा। सिर्फ आपको दो से तीन चैप्टर बताऊंगा, आपने वो याद कर लेने, इंशाल्लाह ताला आपका पूरा पेपर जो है कवर अप हो जाएगा। सो टोटल आप लोगों का 75 नंबर का पेपर होता है, रल मिला के जो भी सारा सिलसिलाकार है आपका। तो ये आपका पेपर जो है वो जो ये लिखने वाला होता है या ये वाला जो पोर्शन है, ये आप लोगों का तकरीबन 60 नंबर का होता है, ठीक है। वो प्रैक्टिकल के डाल के जब आपके पूरे नंबर होते हैं, ये 60 नंबर का पेपर होगा आपका। तकरीबन 12 नंबर के MCQs होंगे, 30 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, ये हो गया आप लोगों के 42 मार्क्स हैं, और 18 नंबर का जो है वो आपका इंशाइया होगा लॉन्ग क्वेश्चन। तो टोटल आपका 60 नंबर का ये पेपर होगा, ठीक है। MCQs वगैरह सारा कुछ डाल के, वो प्रैक्टिकल की चले बात की बात है। सो ये तमाम बोर्ड्स के लिए स्कीम है। आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बताऊंगा, वो चीज़ें याद रखनी है और आपने वो चीज़ें मिस नहीं करनी, नहीं तो आपका पेपर बहुत बुरा होगा, ठीक है। जिस तरह 10th क्लास का हुआ था, अल्लाह ना करे ऐसा हो, दुआ हमेशा आपके लिए यही रही है कि भाई आपका पेपर आसान आए, और 9th क्लास का मोस्टली आसान ही आता है। सो ये MCQs हैं, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, कितने कितने MCQs आने हर चैप्टर के अंदर से वो यहाँ पे मेंशन है, यहाँ पे देख सकते हैं। 3 में से 1 आएगा, 4 में से 1, 5 में से 1, 6 में से 1, 7 में से 1, 8 में से 1 और 9 में से 1। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 9, टोटल 6 MCQs इन चैप्टरों में से आने हैं। इन चैप्टरों के MCQs सबसे पहले अच्छे से याद करने हैं आपने, ठीक है। और टोटल जो है वो आप लोगों के 12 MCQs होंगे। सो आगे बढ़ते हैं अब शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। अब शॉर्ट क्वेश्चन का जो है वो बहुत ही कह लें कि ये एक नुक्ताकार होता है, जो कि समझना होता है बच्चों को कि कहाँ कहाँ से जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं आपके। सबसे पहले 3 शॉर्ट क्वेश्चन के डब्बे आने हैं आपको, ठीक है, और 30 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। हर डब्बे के नंबर होंगे 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 के 10, क्वेश्चन नंबर 3 के 10, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 के भी 10 होंगे। 8 सवाल आपको आएंगे पहले डब्बे के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन के, 5 आपने करने हैं, ठीक है। अब कौन कौन से चैप्टर इसके लिए आपने तैयार करने हैं, चैप्टर नंबर 1, इसमें से 3 आएंगे, इसमें से सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं चैप्टर 1 में से। इसी तरह चैप्टर नंबर 2 है, इसमें से भी 3 आने हैं। इसी तरह चैप्टर नंबर 3 है, इसमें से आएंगे आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन। अगर आप लोग सिर्फ ये पहले 2 चैप्टर कर लेते हो तो आप लोगों के 6 शॉर्ट क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है। आपने 5 करने हैं तो पहले 2 चैप्टरों में से आपके शॉर्ट क्वेश्चन ये कवर हो जाएंगे। फिर इसी तरह चैप्टर नंबर 4 और 5 कर लें, चैप्टर नंबर आपका 4 और जो 5 है, इसमें से आप लोगों के 6 सवाल शॉर्ट बनेंगे, ठीक है। ये देखें ये वाले, तो 2 चैप्टर ये हो गए, इन 2 को करके जो है वो आपके फिर 6 सवाल पूरे हो जाएंगे, करने हैं आपने 5 हैं। इस तरीके से स्टडी किया करें, स्मार्ट स्टडी, और जो चीज़ हम आपको बताते हैं उन पर फोकस किया करें, उनको अच्छे से रेडी किया करें, क्योंकि उनमें से ही मोस्टली आपका पेपर बनता है। इसी तरह चैप्टर नंबर 7, ठीक है, और चैप्टर नंबर 9, ठीक है, इनमें से 6 सवाल बनने हैं, आप इनको अच्छे से कर लेना है, जिन पे मैंने स्टार बनाया। इन चैप्टरों में से जो है वो आपके ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, और मोस्टली ये आप लोग देखें 1, 2, 3, 4 सिर्फ 6 चैप्टरों के शॉर्ट क्वेश्चन याद कर लो, आपके शॉर्ट क्वेश्चन पूरे कन्फर्म पक्के हो जाएंगे, ठीक है। अब शॉर्ट क्वेश्चन कौन से इंपॉर्टेंट है और क्या सिलसिला कार है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। नेक्स्ट अब चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन का अब पंगा पड़ता है भाई, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर लॉन्ग क्वेश्चन करने कौन से चैप्टर उनके हैं, कहाँ से करेंगे, क्या सिलसिला कार होगा। सबसे पहली बात, पहला चैप्टर लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता। तकरीबन 95% चांस होता है कि जो आप लोगों का चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा आपका। 99% चांस कह लो इसमें से होता है, ठीक है। अब हम आपको एक चीज़ बता देता हूँ स्कीम के हवाले से। फ़र्ज कर लें ये जो स्कीम है ये मोस्टली फैसलाबाद, लाहौर वगैरह बोर्ड के अंदर आती है, गुजरांवाला का बोर्ड हो गया, साहिवाल का बोर्ड हो गया, उसके अंदर थोड़ी बहुत चेंजिंग होती है। अब चेंजिंग क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये आपको कैसे पता चलेगा कि हमारे बोर्ड के लिए ऐसी ये स्कीम है। बाकी ये ओवरऑल स्कीम होती है जो कि बोर्ड की तरफ से तकरीबन कह लें कि फॉरवर्ड की जाती है, किस हिसाब से अपनी तैयारी करवाएं बच्चों को, ठीक है। सो चैप्टर क्वेश्चन नंबर 5 है पहला लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। इसके 2 पार्ट आने हैं, जो थ्योरी वाला पोर्शन होता है वो मोस्टली 5 नंबर का होता है, और जो न्यूमेरिकल होता है वो 4 का होता है। तो टोटल 9 नंबर का एक सवाल होता है आपका, ठीक है। जो चैप्टर नंबर 2 में से थ्योरी आ सकती है और चैप्टर नंबर 3 में से न्यूमेरिकल आ सकता है। मोस्टली चैप्टर ये जो 3 है इसमें से न्यूमेरिकल आता है, लेकिन ये कन्फर्म नहीं होता, लेकिन मोस्टली चांस यही होते हैं कि चैप्टर नंबर 3 में से जो है न्यूमेरिकल आता है, 2 में से थ्योरी आती है। 2 के अंदर वो सवालात हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन दी हुई है, इस तरह की चीज़ें, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 6, ठीक है, ये आपने कर लेने हैं चैप्टर नंबर 4 में से। वो टार्क वाला आई थिंक चैप्टर है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला,
ठीक है। और चैप्टर नंबर 6 है वो वर्क वाला, इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का एक दो सवाल है वो लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। सो मोस्टली आपका चार, ये चैप्टर नंबर 4 है, इसमें से आपका जो है वो आता है थ्योरी आती है। जो चैप्टर नंबर 6 है इसमें से मोस्टली आप लोगों का जो है वो न्यूमेरिकल आता है। सो लिहाजा मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपने ये जो मैंने आपको चैप्टर बताए सिर्फ यही 4 चैप्टर करने हैं, आपके लॉन्ग क्वेश्चन 18 नंबर के पक्के हो जाएंगे। ये 4 चैप्टर हैं, इनके आप लोगों ने कोशिश करनी है कि न्यूमेरिकल भी कर लें और थ्योरी भी याद कर लें, सिर्फ 4 चैप्टर, दूसरा तीसरा चौथा और 6वां। लेकिन कुछ बोर्ड्स हैं उनके अंदर 5वें में से भी स्कीम बनती है, तो आप लोग ने सिर्फ जो है वो 4 चैप्टर याद करने हैं, जोन से मर्जी कर ले, 2 से लेके 5 तक कर लें या 2 से लेके 6 तक कर लें, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ें हैं, ये आखिरी पोर्शन आप लोग छोड़ दें, इसको आप लोग चॉइस के अंदर निकाल सकते हैं, ये आपने चैप्टर नहीं छोड़ने, इन्हीं में से आपका पेपर इंशाल्लाह ताला अगर मेरे अल्लाह ने चाहा तो 100% इसी में से आ जाएगा, क्योंकि स्मार्ट स्टडी से ज़्यादा नंबर आते हैं, ज़्यादा पढ़ने से अगर नंबर आते होते तो भी क्या ही बात थी, ठीक है। सो अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ये मैं आपको नहीं कहता कि काट दो भाई, अगर करना चाह रहे हैं तो आप लोग कर भी सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास टाइम है, टाइम तो माशाल्लाह बहुत है आपके पास, तो अगर आप लोग करना चाहें तो ये कर भी सकते हैं। उसके अलावा कुछ नोट्स हैं, ये नोट आपने नहीं छोड़ना, ये अभी देखिएगा क्या क्या तफसीली सवाल के लिए किसी भी यूनिट से थ्योरी भी पूछी जा सकती है, न्यूमेरिकल भी, लिहाजा चैप्टर नंबर 2, 3, 4 और 6 मुकम्मल याद करें, ये आपको बताया 2, 3, 4 और 6, इसमें से थ्योरी भी आ सकती है न्यूमेरिकल भी। लेकिन मोस्टली किस में से इस दफ़ा न्यूमेरिकल आने के चांस है वो 2 चैप्टर में आपको बता देता हूँ, वीडियो के एंड पे होंगे कहीं पे लिखे हुए, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सो स्कीम में मेंशन तफसीली सवाल का 1% चांस होता है कि किसी और चैप्टर से पूछ ले, बाकी 99% स्कीम फाइनल होती है। ये जो स्कीम है आपको बताइए मैंने, ये फाइनल है, 1% चांस होता है कि यहाँ पे मे भी 5वां जो 6वें का दूसरा पार्ट है वो चैप्टर नंबर 5 में से पूछ ले, ठीक है। या तो यहाँ पे चैप्टर 5 से पूछ सकते हैं या यहाँ पे, ठीक है। लेकिन ये जो 4 चैप्टर आपको बताए ना मैंने, इन्हीं में से आपका पेपर पूरा आएगा और 100% इंशाल्लाह ताला आएगा, बेशक आप लोग पेपर देके आगे मैच कर सकते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जिनका 1-1% आगे पीछे होता है, वो टेंशन ना लिए करें, 1-1% आगे पीछे हो जाता है। इस दफ़ा ऐसे लोग बेस्ड होने पेपर होने की वजह से हर बोर्ड की स्कीम में तब्दीली हो सकती है, लिहाजा पहले 5 मुकम्मल चैप्टर तैयार करें, ठीक है। अगर आप लोग फिर भी स्कीम पे जो है वो इतना फोकस नहीं कर रहे तो आप लोग पहले 5 चैप्टर तैयार कर लें। पहले 5 कौन से हैं, पहला चैप्टर नहीं तैयार करना आपने, चैप्टर नंबर 2 से लेके चैप्टर नंबर 6 तक आपने याद कर लेने हैं, बस 100% गारंटी मैं आपको देता हूँ आपका पेपर इसमें से कवर हो जाएगा। न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 3, 4 और 6, ठीक है, इनमें से पूछा जा सकते हैं। लेकिन मोस्टली जो चांस है वो ये है, या तो 3 या 6 में से पूछा जाएगा या तो 4 और 6 में से जो है वो न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। सो लिहाजा मैंने आपको बता दिया कि 2 से 3 चैप्टर हैं, इनको इनके आपने न्यूमेरिकल कर लेने हैं, बाकी जो इनके इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं वो इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। आप लोग सिर्फ वही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल करके जाइएगा, इंशाल्लाह आपके न्यूमेरिकल जब कवर अप हो जाएंगे। बाकी इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर आपके साथ MCQs, ठीक है, और लॉन्ग क्वेश्चंस कौन से इंपॉर्टेंट है वो शेयर कर दिए जाएंगे। बाकी अगर कोई पेपर वगैरह आता है तो वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। बाकी इंशाल्लाह ताला अगर मेरे अल्लाह चाहे तो आपका पेपर बहुत